भारतात सहारा समूहातील विविध सोसायटीवर हायकोर्टाच्या आदेशावरून बॅन लावण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने सहारा समूहातील विविध सोसायटी ठंडावल्या आहेत. त्यामुळे कामठी येथील सहारा इंडिया परिवार क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी यांच्याकडे आपले ठेवी रक्कम खाते आरडी संपुष्टात आल्यावर खातेधारक व आरडी धारक यांची कालावधीला 2 ते 3 वर्ष होऊन सुद्धा सोसायटीकडून परतफेड झाली नसल्याने येथील खातेधारकांनी सोसायटीचा घेराव घातला. संपूर्ण भारतात सहारा समूहातील विविध सोसायटीवर हायकोर्टाच्या आदेशावरून बॅन लावण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने सहारा समूहातील विविध सोसायटी ठंडावल्या आहेत. त्यामुळे कामठी येथील सहारा इंडिया परिवार क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी यांच्याकडे आपले ठेवी रक्कम खाते आरडी संपुष्टात आल्यावर खातेधारक व आरडी धारक यांची कालावधीला 2-3 वर्षे होऊन सुद्धा सोसायटीकडून परतफेड झाली नसल्याने येथील खातेधारकांनी सोसायटीचा घेराव घातला. यातील नसीम अख्तर यांच्या घरी लग्न कार्य आहे तर काहींना पैशांची अत्यंत आवश्यकता असल्याने नागरिकांनी सोसायटीकडे धाव घेतली. पैसे लवकरात लवकर मिळाले नाही तर सोसायटी समोर आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला. तर सोसायटी ब्रांच मॅनेजर मनोज कुमार श्रीवास्तव यांनी माहिती दिली की सहारा समूहाचा कोर्टात काही मुद्द्यांवर विचारधीन असून निर्णय लागल्यास खातेधारकाचे परतफेड करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तर मिळालेल्या माहितीवरून कामठी शहरातील अनेक खातेधारकांनी जवळपास 100 कोटी रुपये सोसायटीकडून घेणे असल्याची चर्चा आहे. 2013 में FD रखे थे हमने. वो FD आधी दिया एजेंट ने और आधा पैसा बोले कि अभी 3 साल के लिए और रख दो तो तुम्हारा पूरा पैसा इकट्ठा मिल जाएगा. वो 3 साल पूरे हो चुके. पहली अपनी जो लड़की की जो शादी निकली थी 15 मई की निकली थी. वो 15 मई की शादी का कार्ड पहले से लगा हुआ है. अप्रैल में कार्ड लगाए थे पर वो कार्ड वहाँ तक पहुँचा ही नहीं. वो फिर दूसरी शादी कैंसिल किए, मतलब 1 नवंबर की शादी निकली तो 1 नवंबर से अभी कंटिन्यू 1 महीने से सिर्फ घुमा रहे हो. वो हमारा इतना पैसा वहाँ जमा है, वहाँ जमा है. 25,000 करोड़ को क्या लेना? हमने तो बैंक को दिए ना. हमको तुमसे पैसा होना. हमको 25,000 से क्या लेना देना? तो अभी 1 नवंबर की फिर कार्ड लगाए हैं. अभी तो ये कार्ड भी नहीं पहुँचा है. जी देखिए, बैंक के साथ सहारा इंडिया ग्रुप के साथ एक लीगल प्रॉब्लम में फंसी है. सहारा और सेवी विवाद के कारण से जो मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो चालू है और संस्था के भी 25,000 करोड़ रुपए नगद और जो भी संस्था की चल अचल संपत्ति है उस पर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम्बार्गो लगाया गया है, जिस कारण से हम लोग अभी अपने सम्मानित जमाकर्ता का पैसा मैच्योरिटी होने के बाद भी उनको नहीं दे पा रहे हैं. क्योंकि हमारे यहाँ भी सारे कलेक्शन बंद है. अभी कोई कलेक्शन नहीं आ रहा है. चूँकि लोकल स्तर से हम कलेक्शन नहीं आने के कारण से वो व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. जैसे ही हम लोग भी, हमारे वकील भी सुप्रीम कोर्ट में इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जल्द ही इसकी मतलब कुछ रिजल्ट निकलने की संभावना है. जैसे ही हमारे पक्ष में वो फैसला आता है हम अपने सभी सम्मानित जमाकर्ताओं को, एक एक जमाकर्ता को घर से बुलाकर हम उनका पूरा का पूरा पैसा सम्मानपूर्वक, जो उनका जितना समय विलंब हुआ है विलंबित ब्याज अवधि के साथ हम उनका भुगतान करें. फ्रॉड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. क्योंकि हम आज अपने सामान्य जमाकर्ता को 45 वर्षों से सर्विस देते आए हैं और डोर टू डोर हम सर्विस देते आए हैं. क्योंकि अभी एक लीगल प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उस पैसे को 25,000 करोड़ रुपये नगद रहने के बाद भी हम उस पैसे को अपने सामान्य जमाकर्ता के भुगतान के लिए भी नहीं निकाल सकते हैं. ऐसा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. इस कारण से ही सामान्य जमाकर्ताओं का पैसा जो है अभी विलंब हो रहा है और जो भी विलंबित हो रहा है हम उनसे, अपने सामान्य जमाकर्ताओं से यही अपील करते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें. इस पर हमारा जैसे आप सहयोग देते आ रहे हैं सहयोग करें. संस्था आपको, बैंक आपको एक एक पैसे का भुगतान विलंबित अवधि के ब्याज दर के साथ. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.